वेलकम एवरीबॉडी टू योर बॉय ज़ैद रशीद इस चैनल। तो गाइस, आज का जो हम लोग का व्लॉग है ना, वो बहुत अजीब ही तरीके का व्लॉग है, क्योंकि हम लोग आज कुछ डिस्कस करने वाले हैं इल्यूमिनाटी के ऊपर। थोड़े टाइम के लिए लोग फेमस होने के लिए जो इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आज का हमारा व्लॉग पूरा रहेगा। कुछ कुछ सेलिब्रिटीज़ के नाम भी मैं लेने वाला हूँ कि जो जो इल्यूमिनाटी को बिलोंग करते हैं, और हालांकि जो हॉलीवुड के दो सेलिब्रिटीज़ इनको सब पहचानते हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पहचानते होंगे, लेकिन जो दो सेलिब्रिटीज़ हैं ना, उनको हर कोई पहचानता है, और जिनका मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन था। जब से मेरे को मालूम पड़ा गाइस कि ये लोग भी इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपको सब इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली बात, मेरे को सर्च करने के लिए जब मैं सर्च करने निकला था इल्यूमिनाटी के ऊपर, तो हालांकि मैं 2 हफ्ते पहले टकला हो गया था। रीज़न कुछ और था टकला होने का। फिर हालांकि मैंने बहुत लोगों को झूठ बोला कि भाई मैंने टैटू नहीं बनाया हूँ, समझ रहे? अभी बहुत खास थे समीर भाई और ज़िया भाई, उन लोग को मैंने सॉरी बोलूँगा ये वीडियो के थ्रू, क्योंकि मेरे को मालूम है आप लोग देखने वाले हो वीडियो। भाई मेरे को खाली ये सब चीज़ के ऊपर देखना था, इसलिए मैंने वो टैटू बनाया, और हालांकि वो टैटू परमानेंट नहीं था। आज के जनरेशन के छोटे छोटे बच्चे लोग को मालूम है इल्यूमिनाटी क्या है, तो उन लोग के लिए वीडियो है कि तुमने जो सोच रहे ना कि कम टाइम में फेमस होने का तो इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर दे, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सर्च किया, मेरे टकले होने में भी लोग ने बोले भाई ये ज्वाइन हुआ तो टकला होना पड़ रहा है, इसने टैटू बनाया। हालाँकि वो टैटू था काली मेहंदी का, ठीक है, और वो इतना कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं था, सिर्फ ये दिखाना था कि लोग क्या सोच रहे। एक मैंने फ़ोटो एडिट करके इंस्टाग्राम पे डाला सिर्फ आधे घंटे के लिए, मेरे को उस पर भी मेरे को लोगों ने बोले कि भाई तू इल्यूमिनाटी का मेंबर बन चुका है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, बस मेरे को थोड़ा ऑब्जर्व करने का था लोगों को, इसकी वजह से मैंने वो चीज़ किया, मैंने हर जगह जाके देखा। तो हालांकि हाँ, सबको मालूम है कि व्हाट इज़ इल्यूमिनाटी और क्या है इल्यूमिनाटी, तो भी लोग मेरे को अरे तू इल्यूमिनाटी का मेंबर है यार, तू टैटू बनाए, देखो मेरा हाथ में भी कोई टैटू आपको दिखेगा नहीं, काली मेहंदी का था, सिर्फ 2 दिन के लिए ऑब्जर्व करने लोगों को रखा था, भाई सब हटा दिया। ये जो वीडियो बनाया हो ना, ये आप लोगों के लिए क्यों है ज़रूरी, क्योंकि लोग चाहते हैं ना भाई मैं फेमस हो जाऊँ, अरे अपन ज्वाइन कर लेंगे। भाई मत ज्वाइन करो, वो शैतानी फिरका है, उनका काम ही है शैतान बनाना उनका काम है, ठीक है। उन लोग के बारे में मैं खुल के तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो के थ्रू आपको समझ जाएगा कि क्या चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। वो लोग इतना ही बोलूँगा कि वो लोग है ना अपनी खुदा ही बोलते हैं, मैं हम खुदा है माद अल्लाह ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उन लोग अपने को खुदा मानते हैं। तो अभी जो ये तो अपना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी आगे आगे मैं वो 2 सेलिब्रिटी जो हॉलीवुड के हैं ना, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उनको अनफॉलो कर दो, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम से हर जगह से, क्योंकि उन लोग चाहते हैं कि हम उनकी तरह बने, ठीक है। तुमको फेमस होना है ना, थोड़ी मेहनत करो यार, 3 साल 5 साल में तुम फेमस हो जाओगे। लोग ये जो अपना टेलीविज़न है ये सब है ना, ये सब चीज़ फेमस होने के लिए, तो गलत फ़ायदा मत उठाओ कि 4 दिन के फेम पाने के लिए हम कुछ भी बन जाएंगे, और हम भाई बन रहे इल्यूमिनाटी एक्स वाई जेड, मत करो ये सब सीक्रेट सोसाइटी, और इन लोग खुद आके आपको सामने से नहीं बोलेंगे इल्यूमिनाटी के मेम्बर बनने के लिए, ठीक है। तो अभी हम आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे, और हम आज जो है ना, आज मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा कि बॉलीवुड में कौन इल्यूमिनाटी को ये बढ़ावा दे रहा है, और हॉलीवुड में कौन इल्यूमिनाटी को बढ़ावा दे रहा है, हालांकि पूरा इंडस्ट्री इन लोग से ही चल रहा है। जो 2-3 लोग हैं ना बॉलीवुड का, तो एक बंदा है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा ज़रूर, और हॉलीवुड के जो 2 बंदे हैं ना सब पहचानते हैं, सब नाम भी ले लेता हूँ। पहला है ज़ैन मलिक और दूसरा है जस्टिन बीबर। जस्टिन बीबर ने दावा किया कि वो मसीहा है, उसकी हरकतें बताऊंगा कि आप तभी समझेंगे वो मसीहा नहीं है, वो लोगों को खाली गुमराह कर रहा है। और ज़ैन मलिक, इसने अपने इंटरव्यू में बोला है कि मैं इस्लाम से नहीं हूँ, मुस्लिम नहीं हूँ, मैं इस्लाम से खारिज हूँ, माद अल्लाह, उसने ऐसा बोला है। तो मैं आप चाहता हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो देखो आगे तक, और मैं आपको बताऊँगा अभी इस वीडियोज़ के थ्रू कि क्या है ये चीज़, क्यों लोग इतना कम टाइम में फेमस हो रहे हैं, और फिर उनकी कुछ रहता ही नहीं है यार, उन लोग थोड़े वक्त के लिए अच्छा ही है, थोड़े वक्त के लिए बुरा ही है उन लोग का काम, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे हमारे वीडियो पे क्या हमको अपने क्या करना, और वो लोग कौन कौन क्या चीज़ से रिप्रेजेंट है, मैं आपको सब बताने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो हम चाहते हैं कि आप देखो ये वीडियो, जो मेरे एडिटर्स है सब ने डिस्कस करे, हम लोग चलो कुछ बनाते हैं यार, व्लॉग तो बनाते ही रहेंगे, कहीं का भी बताना है ना लोगों को बताएं, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी आप लोगों के लिए, तो चलो आगे देखते हैं। जैसे कि गाइस मैंने आपको बोला, जस्टिन बीबर ने इस फोटो में 666 की साइन दिया है, जो इल्यूमिनाटी इंडिकेट साइन है। उसके बाद ये साइन भी इल्यूमिनाटी इंडिकेट है। जस्टिन बीबर अपने आप को मसीहा मानता है, तो ये अपने फैंस पे थूक रहा है, लड़की रो रही है,
उसके बाद वो अपने बहुत से कॉन्सर्ट्स के टाइम पे वो अपने मेन गंदे गंदे पार्ट्स पे हाथ रखता है और अपने आप को मसीहा बोलता है। इससे ये चीज़ है कि ये गाना निकला था जस्टिन बीबर का वेर आर यू नाउ, उसमें ये दोनों ने उस गाने में इसके साथ काम किया था, जिसमें कि एक जैकेट पे आप देख रहे हैं इल्यूमिनाटी की आग बनी है और पिरामिड बना है। उसके बाद ये जो वेर आर यू नाउ गाना था उसके वीडियो में आप गौर से देखेंगे तो एक पिरामिड है मास्टर 22, और जस्टिन बीबर के हाथ में एक चेन जा रही है इल्यूमिनाटी के पिरामिड में। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो मास्टर 22 कोई होंगे उनके हैं, लेकिन ये इल्यूमिनाटी को इस कैद में है इल्यूमिनाटी की। अब उसी में अगर आप देख रहे होंगे तो एक जी बना हुआ है उस वीडियो में, जिसका मेन मकसद है गॉड। ये लोग अपने आप को गॉड बोलते हैं। उसी वीडियो में ये लीवे भी है, लव द डेविल बैक किल द पुअर। उसके बाद ये देखिए इस पिक्चर में आप देखेंगे तो इस वीडियो में जो आग है उसके नीचे दिल बना हुआ है और यू लिखा, यानी आई लव इल्यूमिनाटी। फिर ये एक है बुश डिड 1911, यानी जो जॉर्ज बुश ने झगड़ा कराया था वो। फिर उसी वीडियो में जस्टिन बीबर के ये था कि पिरामिड के ऊपर है वो और अपने आप को ये मसीहा बोलता है, फॉल्स गॉड। अब आप एक चीज़ देख रहे रहेंगे, जस्टिन बीबर के माथे पे एक टैटू बना हुआ है रेड कलर का, ये है सैटन ऑफ चर्च ऑफ सैटन, सॉरी यहाँ चर्च ऑफ सैटन है ये लॉर्ड लूसीफर का चर्च है जहाँ पे सब इल्यूमिनाटी मेंबर रहते हैं, उन्हें जाना पड़ता है। ये है जस्टिन बीबर का टैटू। जस्टिन बीबर ने कहा था कि ये अपनी माँ की आग बने हैं, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं तो इसका ये तो ये मतलब है कि अपनी माँ को दिखा रहे हैं, लड़कियों को थूकना वूकना ऐसा कुछ नहीं था, ये इल्यूमिनाटी की आग थी। उसके नीचे लिखा था बिलीव, यानी वो इस चीज़ पे बिलीव करते। अब देखिए उनके एक टैटू है LL, लॉर्ड लूसीफर भी हो सकता है, लिविंग फॉर लूसीफर भी हो सकता है। ये वो है यानी जब फरिश्ते उतरे थे तो उनके पर छीन लिए गए थे। किसी ने अगर नोटिस किया रहेगा तो जस्टिन बीबर के गर्दन पे दो पर बने, ये वो इंडिकेट करते हैं। ये जी जो मैं आपको बताया था फ्री मेसन्स का, इसका मतलब होता है गॉड। ये देखिए ये पूरा साइन है उन लोग का, गॉड, जी फॉर गॉड। ये देखिए उसने वो एंजल्स की फोटो बनाया है, अपने टैटू को इंडिकेट किया है। जस्टिन बीबर का पहला टैटू था उल्लू। उल्लू वो है जो रात में यानी बुरे वक्त में रात में देखता है, और रात में देखता है यानी डार्क में देखता है, तो इसीलिए इल्यूमिनाटी उल्लू को भी करते हैं, और उल्लू का टैटू बनाना भी इल्यूमिनाटी इंडिकेट है। अब बात करते हैं हम जैन मलिक की। जैन मलिक, ये अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है व्हेन मलिक वाज आस्क्ड इफ ही कुड कॉल हिमसेल्फ अ मुस्लिम एंड ही रिप्लाइड नो आई वुड नॉट एंड माइक ड्रॉप्स, ही ऑल्सो एडेड हाउ रिलीजियस बिलीव आर पर्सनल मैटर बिटवीन द पर्सन एंड वॉट एवर दे चूज टू बिलीव। पाकिस्तानी फैंस डिडेंट टेक दिस न्यूज ईजी एंड ट्विटर इज ऑन फायर। जैन मलिक ने बोला है कि वो मुस्लिम नहीं रहा, जबकि जैन मलिक बहुत पहले से इल्यूमिनाटी के लिए काम कर रहा था। उसने अपनी एक टी शर्ट पे देखी है ये इल्यूमिनाटी की आग, ये ओबे, ये देखिए चील। और उसके बाद जस्टिन बीबर ने वन डायरेक्शन बैंड जो छोड़ा था, उसके बाद उनका सबसे पहला आया था पिलो टॉक। ये गाने में उन्होंने रेड इंफ्रा का साइन दिया है जो कि सांप है, ठीक है। सांप हमेशा लाल चीज लाल ही देखते हैं, वो ओरिजिनल इमेज एग्जिट नहीं कर सकते। ये देखिए नेशनल ज्योग्राफी अगर आप देखे रहेंगे तो उसमें ऐसा एक कुछ साइन मिलेगा आपको कि सांप कैसा देखते हैं, और उसी तरह ये देखिए जैन मलिक ने अपने आप को उस गाने में सांप बताया। ये वॉर जोन और पैराडाइज, पैराडाइज जन जे हेवन के लिए यूज होता है, वॉर जोन यानी ये कोई आसमानी जंग की बात चल रही थी उस गाने में। इस गाने में नेकेड लड़कियां भी हैं, ये सब शैतानी है। ये देखिए इसमें जैन मलिक का 6 पेंटागॉन और एक पिरामिड ट्रायंगल, जिसमें से जैन मलिक हर कोने से बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद जैन मलिक के टैटूज भी इंडिकेट करते हैं, जैसे देखिए इसके हाथ में 6 बना है, एक क्रॉस फिंगर टैटू है जो अपन बचपन में खेलते थे, जो झूठ बोलने के टाइम पीछे कर देते, नहीं, सच बोल रहे हैं। उसके बाद ये जो आपका देख रहे हैं जो चेस्ट टाइप बना है, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, इसका मतलब होता है
कि कुछ समय अच्छा कुछ समय बुरा, यानी कुछ समय वो डार्क में है कुछ समय वो लाइट में। ये देखिए जैन मलिक ने अपने हाथों में ऐसा करा है जो 666 का साइन दिया है जैन मलिक ने। जैन मलिक की ये लास्ट टैटू थी जिसमें एक आँख है, वो आँख पिरामिड के थ्रू जाके बहुत सारे रंगों में बाहर आ रही है। हमने साइंस में पढ़ा रहेगा रेनबो कलर्स के ऊपर, तो ये वैसा ही कुछ है। लेकिन इससे भी ये है कि इससे ये साबित हो रहा है कि जैन मलिक खुद एक इल्यूमिनाटी मेंबर है। जैसे कि मैं बात कर रहा था बॉलीवुड के एक सेलिब्रिटीज़ के बारे में, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी में सैफ अली खान, जो कि सोशल मीडिया पे खुद बोले हैं कि वो इल्यूमिनाटी मेंबर है। ये देखिए इन्होंने भी वही साइन दी है वन आई वाली। इनकी खुद की प्रोडक्शंस का नाम अगर आप देखेंगे गौर से, मैंने यूट्यूब से निकाला हूँ, तो वो है इल्यूमिनाटी फिल्म्स। तो सैफ अली खान खुद एक इल्यूमिनाटी मेंबर है। तो गाइस मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये इल्यूमिनाटी ये सब चीज़ से दूर रहो, कुछ मिलेगा नहीं आपको ये सब चीज़ करने से। ये देखिए क्योंकि ये सब सिर्फ फालतू चीज़ है, ये शैतानी फिरका है लोगों को बहकाने के लिए। आप प्लीज़ ये सब चीज़ ना करें तो बेहतर रहेगा। और इस और मैं आगे क्या बोलूँ गाइस, आज से तारीख में 4 दिन का फेम पाने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, जिसे देख के हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी लोग करे ही जा रहे हैं। चलिए खैर आगे देखते हैं हम इस वीडियो को। तो गाइस जैसा कि आपने सब देखा इन सेलिब्रिटीज़ के बारे में कौन कौन बिलोंग कर रहे हैं, जैसे जस्टिन बीबर, जैन मलिक, सैफ अली खान, और भी बहुत है जिनका नाम लेके मतलब नहीं। मेरे को लग रहा है आप लोग यही सब चीज़ देख के समझ जाओगे। फेमस ज़्यादा होने की टेंशन मत लो यार, मैं बोल रहा हूँ ना, हार्ड वर्क करो, वीडियोज़ बनाओ, जो भी आप कर रहे हो टिकटॉक वगैरह पे करो, मैं ये नहीं बोल रहा मत करो, लेकिन सही तरीके से करो, फेमस तो हो जाओगे यार, जो नसीब में रहेगा वो होना ही है। ठीक है गाइस, तो जो आज आप लोग ने देखा ये सब सच है, आप जाके सर्च कर सकते हैं हर जगह जाके, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपको सर्च करना है। और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन लोग ने इल्यूमिनाटी के ऊपर सब बनाया है, देखो उन लोग को, और भी मेरे से अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो गाइस मेरा बस इतना बोलना है कि अपने भाई को मत भूलना, लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, जितना हो सके शेयर करो, ठीक है, ये वीडियोज़। और एक बात, इल्यूमिनाटी नहीं बनना, ठीक है गाइस, गलत चीज़ है। वापिस एक बार राय दिला रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहना अपने भाई के चैनल को। बाय गाइस, लव यू ऑल।